प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिंदगी में इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, जिंदगी में नहीं होगी। तो आइए प्रतिस्थापन विधि से समझते हैं कि कैसे समीकरण को हल किया जाता है। ये आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या करना है। मान लीजिए समीकरण वन है, सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण वन। जो समीकरण वन है, समीकरण वन से आइए समीकरण वन को पहले लिख लेता हूँ। 7x माइनस 15y यानी 15y बराबर 2, इस तरह का है। अब समीकरण वन में से किसी एक को, चाहे x को चाहे y को, आपको एक तरफ रोक लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रोक लेना है और सबको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो मैं x को रोक के लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 2 + 15y, यही हो जाएगा 2 + 15y। इस एक को रोकना है चाहे, अब मैं यदि वाई को रोकता तो यक्ष को उस साइड भेजता, लेकिन मैंने देखा कि यक्ष अच्छा है, आसान है, तो यक्ष को मैंने रोक लिया। आप भी यक्ष को ही रोकना, यक्ष को आसानी से रोक लेना। यक्ष मैंने यहाँ पे रोक लिया, अब यक्ष को देखिए इसको अलग करिए, यहाँ 7 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 2 + 15y / 7/7। यक्ष बराबर ये आ गया है, यक्ष बराबर ये आ गया है। अब देखिए आपने समीकरण वन से x का मान निकाल लिया है, अब इसको क्या करना है, समीकरण दो में पुट कर देना है। समीकरण दो में x का वैल्यू रख देना है, यहाँ पे लिख देना x का वैल्यू समीकरण दो में रखने पर, x का वैल्यू जो है समीकरण दो में रख देना है। समीकरण दो क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है। इस x की वजह पे ये वैल्यू रख देनी है, इस x की वजह पे इस वैल्यू को रख देना है। बस प्रतिस्थापन का अर्थ यही होता है कि प्रतिस्थापित करना, समीकरण वन से x निकालना या y निकाल के समीकरण दो में प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापन के नाम में ही, अरे भैया नाम में ही सब कुछ रखा है। कुछ लोग डीपी लगाते हैं, नाम में क्या रखा है, अरे नाम में ही सब रखा है। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल यानी प्रतिस्थापित करना है। x की वैल्यू आ गई, उसको प्रतिस्थापित कर दीजिए, समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दीजिए, यानी x का जो समीकरण वन से आपने वैल्यू निकाला है, समीकरण वन से जो आपने x की वैल्यू निकाल ली है उसको समीकरण दो में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15y प्लस 2/7 प्लस 2y बराबर 3, यही हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा 15y प्लस 2, ये कैसी गुणा कराएगी, तो 7 × 2 = 14y प्लस 14y / 7 बराबर 3, यही हो गया। अब ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, मैं इसको जल्दी से मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इसको जल्दी से मिटा दो, जगह कम है इसलिए मेरे को मिटाना पड़ रहा है, मैं इसको जल्दी से मिटाई दे रहा हूँ। अब ये आ गया, अब इसको आप आइए फर्दर सिंप्लीफाई किया जाता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिंपली क्रॉस गुणा कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 3/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 15y + 14y, अरे यही सिंपली लिख रहा हूँ, 14y + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 × 21 = 21 हो जाएगा। अब 15 और 14 जोड़ेंगे क्या आएगा, 29 आएगा ना, 29y बराबर हो जाएगा 21 - 2, ये हो जाएगा 19, यानी 29y = 19। y बराबर क्या हो जाएगा, 19/29 y का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है। अब समीकरण वन में रखो या समीकरण दो में, जो दो समीकरण थे उन्हीं किसी एक में आपको y का वैल्यू पुट कर देना है। y का जैसे वैल्यू पुट करोगे आपका x आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आइए जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, y की वैल्यू को मैं समीकरण दो, ये समीकरण दो है, ये समीकरण दो है, इस y की वैल्यू को मैं समीकरण दो में रखे दे रहा हूँ, इस y की वैल्यू को मैं समीकरण दो में रखे दे रहा हूँ। ये जो समीकरण है ये सारा समीकरण दो था, आप देख लेना आपने स्क्रीनशॉट लिया था। तो समीकरण दो में y की वैल्यू रखे दे रहा हूँ, y की जैसे वैल्यू रखूंगा तुरंत x का आ जाएगा। तो आपको ऐसे नीचे लिख देना है कॉपी में कि y की वैल्यू समीकरण दो में रखने पर, जैसे ही समीकरण दो में y की वैल्यू रखोगे तो x आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 2 × अब y कितना है, 19/29 y 19/29 = 3 y 19/29 = 3। मैंने सिंपली y की वैल्यू ही रखी है और कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हूँ, y की वैल्यू लिख दिया हूँ बस। तो हो जाएगा x प्लस 19 × 38 38/29, यहाँ भैया आएगा 19 × 38/29 = 3, ये आ चुका है। अभी वही जो भैया आइए x बराबर भेजिए 3 - 38/29, क्यों माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस था उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब ये आ गया। अब इसको आपको फर्दर सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी हो जाएगा 29 × 3 - 38/29, यहाँ आंसर आएगी भैया, जाकर सिंप्लीफाई कर लो। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये समीकरण हल से क्वेश्चन आते हैं और वहां भी आप प्रतिस्थापन विधि
बहुत ही इजी रहता है यहाँ पे लगाना, प्रतिस्थापन भी बहुत आसानी से आप यूज कर सकते हो। अभी मैं और विधियां बताऊंगा उसको भी आप देख लेना, लेकिन प्रतिस्थापन भी बहुत ही आसान है, बस आपको समझना चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा।